हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। जो दोस्तों ये जो गाड़ी है कल ही मार्केट को आ चुकी है। दोस्तों ये गाड़ी का प्राइस भी रिवील हो चुका है। इस गाड़ी का हम लोग निकालेंगे प्राइस, ऑन रोड प्राइस, एक्सोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, अदर चार्जेस, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सेकेंड हाफ में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर इस गाड़ी को आप लोग लोन करके खरीदते हो तो आपको कितना आ जाएगा डाउन पेमेंट, कितना आ जाएगा ईएमआई, कितना आ जाएगा टेन्योर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एक बेहतरीन गाड़ी है, 7 सीटर है और भारत के सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो एक इसका लेगेसी ये बजा के रखा है। दोस्तों कल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये गाड़ी आ रहा है। दोस्तों आज जिस मॉडल के ऊपर हम लोग बात करेंगे उस मॉडल का नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन G2 पेट्रोल MT 7 सीटर। जी हाँ दोस्तों, इस 7 सीटर का गाड़ी है, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर इस गाड़ी को आप लोग लेते हो तो आपको एक्सोरूम प्राइस आ जाएगी तकरीबन 11,99,000। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये आपको 12 लाख के आसपास एक्सोरूम प्राइस आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पे करना होगा तकरीबन 1,31,900 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,32,000 के आसपास आपको आ जाएगी रजिस्ट्रेशन, 1,32,000। दोस्तों ये जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ ये दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में आपको जानना है गाड़ी का प्राइस, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस के लिए आपको पे करना होगा तकरीबन 77,690 रुपये। जो दोस्तों 77,690 रुपीज आपको आ जाएगी इंश्योरेंस। अदर चार्जेस जो है आपको आ जाएगी तकरीबन 13,990 रुपये, 13,990 रुपीज आपको आ जाएगी अदर चार्जेस। दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो ऑन रोड प्राइस आ जाएगा उसका बेसिक मॉडल का, बेस मॉडल का जो है G2 पेट्रोल MT 7 सीटर का, दिल्ली में तकरीबन 14,22,580 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 14,22,580 रुपीज आपको आ जाएगी ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगर इस गाड़ी को आप लोग लोन करके खरीदते हो, कुछ डाउन पेमेंट देके खरीदते हो, ई एम आई करके खरीदते हो तो आपको आ जाएगी EMI, मैं बाद में बताने वाला हूँ, आपको आ जाएगी सबसे पहले डाउन पेमेंट जो है वो आ जाएगी 3,43,480 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,43,480 रुपीज आपको आ जाएगी डाउन पेमेंट। देन इसका जो टेन्योर है आपका 5 साल है। दोस्तों आप चाहे तो 6 साल, नहीं तो 7 साल भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 5 साल होता है तो मैं 5 साल ही कवर कर रहा हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट आ जाएगा तकरीबन 9%। जो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है बैंक टू बैंक, फाइनेंस कंपनी टू फाइनेंस कंपनी वैरी करता है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ इस वीडियो का, अगर आप ये डाउन पेमेंट दे दिए, आप टेन्योर दे दिए, आपका इंटरेस्ट रेट आपने पे कर दिया, उसके बाद जो ईएमआई आपको आ जाएगी 5 साल के लिए यानी कि 60 मंथ्स के लिए, वो आ जाएगी तकरीबन 22,400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 22,400 रुपीज आपको आ जाएगी ईएमआई। दोस्तों अगर ये ईएमआई को आप 60 मंथ के लिए देते हो डाउन पेमेंट के साथ, ना आप ये गाड़ी को अपना बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। ये गाड़ी का जो वेटिंग पीरियड रहने वाली है तकरीबन 10 महीने से 1 साल तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी का। उसके बाद ये गाड़ी बेहतरीन कलर्स में आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आप चेक कर लीजिएगा। और इस ये जो गाड़ी का प्राइसिंग है काफ़ी मस्त है, काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों अगर ये गाड़ी को आप लोग लेते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपका सवाल हो, मुझे आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ ड्राइव। लव यू ऑल। थैंक यू।